वेलकम बैक रॉकर्स। मूवी की शुरुआत भविष्य में बहुत ही आगे से होती है। इंसानों का विकास सामान्य रूप से हो रहा होता है, लेकिन अचानक एक खोज सब कुछ बदल देती है। सूरज जैसा कुछ पृथ्वी की तरफ बहुत ही तेजी से आता है और थोड़ा समय गुजरता है और फिर पृथ्वी पर दो सूरज हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर गर्मी, रेडिएशन और कई सारी चीजें बढ़ जाती है, जिससे कई सारे लोग मारे जाते हैं और इंसान का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। नए सूरज को सौरमंडल से दूर जाने में 200 साल लगेंगे, लेकिन अगर इसका इंतजार किया जाएगा तो सभी इंसान इससे पहले मर जाएंगे। और इसका उपाय करने के लिए बचे हुए लोग जमीन के नीचे एक शहर बनाते हैं और उसका नाम एम्बर रखते हैं। एम्बर में जितना भी खाना और साधन होते हैं उनको 200 साल तक चलने का अनुमान लगाया जाता है और 200 साल बाद इंसान को पृथ्वी की सतह पर जाने दिया जाएगा। लेकिन बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उनको बाहर जाने के लिए एक नक्शे का प्रयोग करके एक रास्ते से बाहर जाना होगा और उस नक्शे को सभी लोगों से छुपाकर रखा जाता है ताकि कोई 200 साल पूरे होने से पहले वहां से निकलने की कोशिश ना करे। और इसके लिए नक्शा और बाहर निकलने के तरीके को एक लॉकर में रखा जाता है और अब वो लॉकर 200 साल बाद ही खुलेगा। एम्बर के पहले मेयर को लॉकर को संभालने के दिया जाता है और समय के गुजरने के साथ वो नए मेयर को दिया जाता है। अब सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उस समय का मेयर मर जाता है और लॉकर के बारे में भुला दिया जाता है और इस तरह 200 साल गुजर जाते हैं और लॉकर अपने आप खुल जाता है, लेकिन कोई भी लॉकर के अंदर पड़ी चीजों पर ध्यान नहीं देता और वो लॉकर वैसे ही अपनी जगह पर पड़ा रहता है। पूरा एम्बर शहर एक बिजली बनाने वाले जनरेटर पर चल रहा होता है जो कि जल्दी खराब होने वाला है और इसके साथ ही सारा खाना भी बहुत ही तेजी से खत्म हो रहा होता है। फिर हमें शहर के उन लोगों के पास ले जाया जाता है जो समाज के लिए काम करते हैं और पढ़ाई खत्म होने के बाद सभी जवानों को चिट्ठी चुनकर उनको काम दिया जाता है। कुछ डाकिया बन जाते हैं, कुछ खाने के काम के लिए रखे जाते हैं और किस्मत वालों को जनरेटर का काम दिया जाता है। अब दिखाते हैं कि नई क्लास में एक लड़का है जिसका नाम टून है। वो हमेशा से ही मशीन में अपने पापा की तरह रुचि रखता है और साथ ही बताया जाता है कि उसके पापा एक बड़े मैकेनिक हैं। टून दिल से बिजली बनाने वाली मशीन को ठीक करना चाहता है, लेकिन उसका सपना टूट जाता है जब उसको शहर का एक डाकिया बना दिया जाता है। अब टून की एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जिसका नाम लीना है, जिसको शहर के पाइप्स का ध्यान रखने का काम मिलता है। लीना का बचपन से डाकिया बनने का सपना था, इसलिए वो दोनों छुपकर अपना काम बदल लेते हैं और इस तरह टून शहर की बिजली बनाने वाली मशीन के पास रहेगा क्योंकि सभी पाइप्स उस मशीन के आसपास ही हैं। अब रात को लीना अपनी दादी को अपने काम के बारे में खुशी से बताती है और उसकी दादी किसी गुप्त रास्ते के बारे में जानती है, लेकिन उनको भूलने की बीमारी है इसलिए सब कुछ भूल गई है। लीना के गुजरे हुए पापा को भी उस गुप्त रास्ते के बारे में थोड़ा पता था और इसका सबूत उसको उसके पापा की पुरानी यादों को सुनकर मिलता है। उसके पापा ने आवाज वाले मैसेज में बाहर की दुनिया के बारे में थोड़ा बताया होता है, लेकिन उसको उन मैसेज में कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उस मैसेज का कुछ हल्का फुल्का ही समझ पाती है। उस मैसेज में एक बैरो नाम के आदमी की बात की गई है, लेकिन शहर में इस नाम का कोई भी इंसान नहीं रहता। अब अगले दिन लीना का काम पर पहला दिन है। वो खुशी से सभी के खत लोगों तक पहुंचा लेती है, लेकिन फिर उसको काफी शोर सुनाई देता है और तब पता चलता है कि एक आदमी को झूठी अफवाह फैलाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो बोल रहा है कि उसने शहर के अंधेरे वाले हिस्से में बहुत ही बड़े बड़े कीड़े देखे हैं जहां कभी भी किसी को जाने नहीं दिया जाता और कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। लेकिन लीना को उस आदमी की गिराई हुई एक चीज मिलती है जो कि काफी हद तक एक बड़े कीड़े का सिंग जैसा लग रहा है। अब दूसरी तरफ डून भी काम के पहले दिन के लिए पहुंचता है और वहां उसको जंग लगी हुई और टूटी हुई पाइप दिखती है और उसका बॉस एक चिड़चिड़ा बुढ़ा आदमी है जिसका नाम सुल है। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस काम को करते हुए गुजारी है और वो शहर की सभी पाइपलाइंस के बारे में जानता है और उसको अच्छे से समझ है कि पाइप से कभी भी शहर में बाढ़ आ सकती है। और सोल नहीं चाहता है कि टून अपने दिमाग का प्रयोग करे, क्योंकि सभी ने पहले इस समस्या को ठीक करने की बहुत कोशिश की लेकिन सभी हार गए थे। टून को काम पर भेजने से पहले एक मरे हुए कर्मचारी का हेलमेट पकड़ा दिया जाता है और वो अपने बॉस की बात को ध्यान में रखता है, लेकिन वो पाइप्स को ठीक करने के लिए बिल्कुल अटल है और वो अपने लोगों को बाढ़ में मरने नहीं देना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि वो उन पाइप्स को ठीक करे। अब उस दिन कुछ समय बाद वो सुल के पास से पाइपलाइन का नक्शा चुरा लेता है और सुरंगों में घूमना शुरू कर देता है। वो घूमता हुआ 351 नंबर के कमरे में पहुंचता है। वो कमरा वैसे तो नक्शे में भी नहीं है और कई सालों से बंद भी है और इस वजह से डून उसमें बड़ी दिलचस्पी रखता है कि कुछ ना कुछ इस कमरे के अंदर जरूर होगा, लेकिन डून अभी के लिए उस पर ध्यान नहीं देता और घूमते हुए एक और सुरंग में पहुंच जाता है और किसी को नहीं पता कि वो सुरंग कहाँ जाती है। अब आगे जाकर डून शहर के खाने को रखने वाले कमरे में पहुंचता है जो कि लगभग खाली हो गया है और जब वो ये सब देख रहा होता है तो वहाँ पर खाने का ध्यान रखने वाला इंसान जिसका नाम लूपर है वो उसको पकड़ लेता है और कोई भी लूपर को पसंद नहीं करता क्योंकि उस पर पहले खाने को चुराने का आरोप लगाया गया था। लेकिन फिर अचानक बिजली बनाने वाला जनरेटर काम करना बंद कर देता है और इसकी वजह से सारा शहर अंधेरे में डूब जाता है और इंजीनियर्स अपनी पूरी कोशिश करके कुछ समय के लिए उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन सभी को पता है कि वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला। अब उस दिन काम के बाद लीना अपनी दादी के पास जाती है जो कि उसको अलमारी में रखे एक डब्बे के बारे में बताती है और पता लगता है कि उसके दादा एक मेयर थे जो कि लॉकर को अगले मेयर को दिए बिना ही मर गए थे। और लीना उस अलमारी को देखती है और
उसमें से उसको एक बहुत ही पुराना लॉकर मिलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उस लॉकर का करना क्या है। अब अगले दिन लीना को लोपर मिलता है। वो लीना को एक खत मेयर को देने के लिए देता है। मेयर की हवेली में लीना को खाने से भरी एक दराज दिखती है, लेकिन मेयर उसको छुपाने की कोशिश करता है। और फिर वहाँ वो अपने दादाजी की तस्वीर देखती है जिसमें उनके हाथ में वही लॉकर है जो लीना को मिला है। अब इस सब के दौरान खाने और दवाइयों की कमी की वजह से लोगों में समस्याएं आने लगती है, और सभी लोग अपने आप को शहर में हमेशा के लिए जो आने वाला अंधेरा है उसके लिए तैयार करते हैं। और फिर लीना डून को वाले कीड़े का सिंह दिखाती है जो उसको उस दिन मिला था, और डून किताबों में देखकर पता लगाता है कि वो असली सिंह है। डून के पापा इन सभी चीजों में माहिर हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता है कि कैसे कोई कीड़ा इतना बड़ा हो सकता है। लीना डून को लॉकर में मिली चीजों को दिखाती है। उसमें एक चमकदार ग्लास की प्लेट है, एक फटा हुआ कागज और कुछ अजीब दिखने वाले निशान भी है। वो कागज के फटे हुए हिस्सों को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि उसमें शहर से बाहर निकलने का रास्ता लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि बाहर निकलने के लिए उन्हें कमरा नंबर 351 का प्रयोग करना पड़ेगा। अब दोनों चुपचाप सुरंग में पता लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां कोई लंगड़ाता हुआ आदमी जा रहा होता है, और वो आदमी जैसे ही उन दोनों को देखता है वो वहां से भाग जाता है, लेकिन भागते हुए बहुत सारे खाने के डब्बे गिरा देता है। अब डून देखकर बड़ा ही हैरान है कि ये खाने के डब्बे वही हैं जो शहर में बहुत पहले खत्म हो चुके थे। और इससे पहले कि वो चीजों का आगे पता लगा पाते, वहाँ एक बड़ा सा कीड़ा उन पर हमला कर देता है और उनको वहाँ से भागना पड़ता है। और जब चीजें थोड़ी शांत होती है तो लीना देखती है कि डून को दिए गए हुए हेलमेट पर उसके पापा का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि उसके पापा ये कर्मचारी थे जो काम करते हुए मारे गए थे। और डून बताता है कि पाइपलाइंस में काम करते हुए लीना के पापा डूब गए थे। अब बाद में लीना घर आती है और अपनी आंटी लेन से अपने पापा की मौत के बारे में पूछती है। लेन बताती है कि लीना के पापा को इस शहर से निकलने का बहुत ही जुनून था, और बाहर निकलने का छोटा रास्ता उन्होंने ढूंढ भी लिया था, लेकिन मिशन के आखिरी हिस्से में वो पानी में डूब गए थे। अब लीना अपने पापा की मौत को सुनकर बहुत ही दुखी होती है, और तभी उसका ध्यान लूपर पर जाता है। उसको लूपर को देखकर सुरंग में मिलने वाला लंगड़ा आदमी याद आता है, और वो जल्दी से डून के पास जाती है। और फिर आखिरकार वो कमरे नंबर 351 में चले जाते हैं और देखते हैं कि मेयर ने अपने लिए वहाँ बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। वहाँ उसके लोग भूख से मर रहे हैं और यहाँ ये मेयर अपने लिए पूरी जिंदगी का खाना बचा रहा है। अब वहाँ उसको सोता हुआ मेयर मिलता है, लेकिन वो उसको बिना जगाए वापस लीना के घर चले जाते हैं। अब वो दोबारा लीना के पापा का मैसेज सुनते हैं, और इस बार डून का ध्यान मैसेज में बताए बैरो नाम के आदमी पर जाता है, और उसको पता लगता है कि वो उसके पापा ही है। वो जल्दी से अपने पापा के पास जाता है। वहाँ वो सुरंगों और लीना के पापा के बारे में पूछता है, और पता लगता है कि लीना के पापा और डून के पापा साथ में मिलकर बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो कभी भी बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। और बाहर निकलने के रास्ते को ढूंढने के जुनून की वजह से लीना के पापा की मौत हो गई, और डून के पापा ने डून को कभी इस मिशन के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो अपने बेटे को वैसे ही खतरे में नहीं डालना चाहता था। अब डून उसके पापा की चिंता को समझता है, लेकिन अपने पापा के शुरू किए गए मिशन को पूरा करने के लिए वो अड़ा रहता है। और अब की बार डून के पास नक्शा और लॉकर भी है जो कि पहले उसके पापा के पास नहीं था। यहाँ दूसरी तरफ लीना मेयर के किए गए काम का खुलासा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको पकड़ ले जाता है, और सही समय पर लाइट चली जाती है और लीना मेयर का बैच चुराकर भाग जाती है। अब लीना और डून कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उनको अपराधी घोषित कर दिया गया है। और फिर बिजली बनाने वाले जनरेटर तक जाने के लिए वो एक खास गाड़ी का प्रयोग करते हैं और जनरेटर तक पहुंच जाते हैं। अब वो मेयर के चुराए बैच और लॉकर में मिले गए ग्लास के टुकड़ों को जोड़कर एक चाबी बना लेते हैं, और उन्हें लगता है कि इस चाबी का प्रयोग करके वो खुफिया रास्ते से बाहर चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों वो गलत होते हैं। लीना लॉकर वाले डब्बे में दिए गए निशानों को देखती है और उसको पता लगता है कि उन्हें कमरे में दिए गए लॉकर के पीछे कुछ ढूंढना होगा। अब जांच करने पर उन्हें कमरे में बने एक लॉकर के पीछे का रास्ता मिलता है जिसमें और भी बहुत सारे लॉकर्स बने हुए हैं, और इन लॉकर्स का इस्तेमाल कैसे करना है इस बारे में अभी उनको पता नहीं है, लेकिन कागज पर लिखे अगले निर्देश में उनको एक चक्र को गाड़ी की दिशा में घुमाने को बोला जाता है। और जैसा ही वो ऐसा करते हैं तो एक लॉकर उन्हें जनरेटर वाले कमरे के सामने लेके आता है, और फिर कमरे का दरवाजा खुल जाता है और उनको यहाँ एक जमीन के नीचे बनी नदी मिलती है, और वो नदी एक बड़ी नदी से जुड़ी होती है। पिछले कमरे वाले सभी लॉकर सामान रखने के लिए नहीं है, उनको तो नाव की तरह बाहर निकलने के लिए प्रयोग करना है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उन्हें पानी की मात्रा बड़े चक्र से ऊपर बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो नदी का रास्ता रोक रहा है। अब वो कागज में दिए आगे के निर्देश पढ़ते हैं जिसमें उन्हें इमरजेंसी कमरे के बारे में जाने को बोल दिया जाता है, और आखिरकार बैज से बनी चाबी इमरजेंसी कमरे को खोलने में काम आती है, और उस कमरे में मशीन को नियंत्रित करने के लिए बटन और हैंडल दिए गए हैं। वो लिखे गए निर्देश के अनुसार बड़े चक्र को शुरू कर देते हैं जिससे कि वहाँ थोड़ा थोड़ा होकर पानी बढ़ने लगता है, लेकिन उनकी योजना उल्टी पड़ जाती है जब पानी के दबाव से शहर की लाइट्स बहुत उजाला करती है और फिर खराब हो जाती है। लोग अब और भी ज्यादा डर जाते हैं जब पाइपलाइंस खराब हो जाती है क्योंकि पाइप के लीक होने से शहर में बाढ़ आ सकती है। अब मेयर को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो अपने वाटरप्रूफ कमरे में चला जाता है, लेकिन उसके किए गए काम का फल उसको तभी मिल जाता है जब एक बड़ा कीड़ा उस पर हमला करता है और सबसे पहले वही मरता है।
अब अचानक मशीन का बड़ा पहिया काम करना बंद कर देता है और वहाँ पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सुर आ जाता है। सुर पहिये को ठीक कर देता है, लेकिन पहिये के काम करते रहने के लिए सुल को एक लेबर को पकड़ना पड़ेगा। और सुल को पता है कि ये बहुत ही खतरनाक काम है, लेकिन ऐसा करके वो सभी लोगों की जिंदगी बचा सकता है। अब इसके बाद पानी की मात्रा बहुत ही जल्दी से बढ़ने लगती है और ना चाहते हुए भी डून को सुल को छोड़कर रास्ता ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। अब इसके बाद डून, लीना और उसकी छोटी बहन एक नाव में बैठते हैं और पानी की एक बड़ी सी लहर उन्हें बड़े पहिये के ऊपर से लेके जाती है। अब इसके बाद तीनों बहुत सारी अंधेरी वाली सुरंग से गुजरते हैं और वो इस सुरंग के खत्म होने के बाद खुद के जिंदा रहने की आशा लगा रहे होते हैं। अब वो लगभग अपनी आशा को खो चुके होते हैं जब उनकी नाव एक खड़ी चढ़ाई पर आ जाती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो खुद को एक तालाब में देखते हैं और कुछ दूरी पर एक दरवाजा है जो आखिरकार उन्हें पृथ्वी की सतह पर लेके जाता है। वो दोनों खुश भी नहीं है क्योंकि बाहर रात हो रही है और उन्हें लगता है कि बाहर भी उतना ही अंधेरा है जितना अंदर शहर में है। लेकिन तभी सुबह वो पहली बार एक सूरज को उगते हुए देखते हैं और उनकी आंखों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और इतनी चमक आ जाती है कि क्या बोले। अब धरती की सतह दोबारा रहने के लिए सही हो गई है और आखिरकार वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया उड़ती हुई दिखाई देती है और उसका वो पीछा करते हैं और एक गहरे छेद के पास पहुंच जाते हैं। अब उनको वहां से अंबर शहर दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंचती। और फिर आखिर में वो नक्शे और अपनी बंदूकों को एक पत्थर से बांधकर नीचे फेंक देते हैं। और अच्छी बात तो ये होती है कि वो पत्थर और मैसेज डून के पापा को मिल जाता है और शहर के सभी लोगों को बचा लिया जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जैसा मूवी में दिखाया गया है कि एम्बर शहर का मेयर मारा जा चुका है, आपको क्या लगता है अगला मेयर किसको बनाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।